about hormones of the alimentary canal. Hormone of alimentary canal. तो जो alimentary canal है इसके hormones कौन कौन से होते हैं ऐसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, बट अपन इसको थोड़ा और सेपरेट करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। हॉर्मोन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऑल आर द लोकल हॉर्मोन। एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? लोकल। लोकल हॉर्मोन का मतलब है टारगेट ऑर्गन ऑफ हॉर्मोन इन नियर ऑफ सोर्स, जहां से वो निकलता है उसके पास में ही काम करता हो तब उसको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। अपन देख चुके थे ये लोकल हार्मोन कौन कौन से हैं। देखिए इसको अपन डायग्राम से लेते हैं। फर्स्ट वन इज द ईसोफेगस, स्टमक के बाद में अपन ने देखा दिस वन इज द डियोडेनम एंड जेजनम एंड इलियम। ये जेजनम एंड इलियम, ओके चलो इसको ऐसा जेजनम एंड इलियम। अब देखिए जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आता है तो स्टमक के अंदर जी सेल प्रेजेंट। तो सबसे पहले अपन देखें कि अपनी जो ये ड्यूडेनम है दिस वन इज द डी जेजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम से सीक्रेट होता है, ठीक है, जी सेल से सीक्रेट होता है हॉर्मोन गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोकल हॉर्मोन या हॉर्मोन ऑफ गट, सेकेंड वन इस हॉर्मोन का सोर्स क्या है और सोर्स के बाद इसका फंक्शन क्या है। ओके तो फर्स्ट हॉर्मोन कौन सा? गैस्ट्रिन। सोर्स क्या है? जी सेल ऑफ स्टमक, जी सेल ऑफ स्टमक। अब ये गैस्ट्रिन का फंक्शन देखिए क्या हो, ये प्लस मीन्स स्टिमुलेट इंक्रीज। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है? HCl, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजेन फॉर्म में रहता है। तो इस गैस्ट्रिक जूस और साथ में म्यूकस, इसके सीक्रेशन को इंक्रीज करने का काम किसका है? गैस्ट्रिक। अब जब फूड स्टमक में आता है तो लगभग इस स्टमक के अंदर फूड का स्टोरेज 4 to 5 hours के लिए होता है, 4 to 5 घंटे के लिए फूड यह स्टोर होगा। उसके बाद ये फूड कहाँ आएगा? ड्यूडेनम। तो जब फूड ड्यूडेनम में आता है तब स्टमक के अंदर HCl यदि निकला तो एसिडिटी हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही फूड ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम की म्यूकोसा से हॉर्मोन सीक्रेट होता है। दिस हॉर्मोन इज द एंटेरोगैस्ट्रोन। कौन सा हार्मोन? एंटेरोगैस्ट्रोन। तो देखिए सेकेंड हार्मोन कौन सा है? एंटेरोगैस्ट्रोन। ये एंटेरोगैस्ट्रोन का सोर्स क्या है? म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडेनम, म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडेनम। अब फंक्शन देखिए क्या है? फंक्शन है नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। ये जी सेल पर काम और गैस्ट्रिन के सीक्रेशन को कम करता है। गैस्ट्रिन का सीक्रेशन कम होगा तो ऑफकोर्स इनहिबिट डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को कंट्रोल किया। साथ में ये जो यहाँ पर पाइरोगेसिन है इसको भी, इसके रेगुलेशन को भी कंट्रोल करेगा। साथ में यहाँ पर एक और प्रकार के सिंट है,
कार्डिक स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर भी इन दोनों हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अब जब फूड ड्यूओडेनम में आएगा तो ड्यूओडेनम में दो टाइप के जूस का सीक्रेशन हुआ था। एक अपन ने कहा था बाइल्यूस, बाइल्यूस कम्स फ्रॉम ये मान लीजिए हम गॉल ब्लैडर, और इस गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, और ये मान लीजिए यहाँ क्या है लेवर, ये दोनों लोबेंस, दिस वन इज द लेवर। लेवर से ड्यूओडेनम में क्या आता है बाइल्यूस। तो जब फूड ड्यूओडेनम में आता है तो यहाँ बाइल्यूस का सीक्रेशन होगा, साथ में यहाँ पर पैंक्रिया आ जाए तो पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा। अब गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर पर एक हार्मोन काम करता है सीसी कोलीसिस्टोकाइन, थर्ड वन इज द कोलीसिस्टोकाइन सीसी। कोलीसिस्टोकाइन का सोर्स क्या है, म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडेनम। फंक्शन क्या है, इंक्रीज सीक्रीशन या इंक्रीज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से क्या बाहर आएगा, इंक्रीज सीक्रीशन ऑफ बाइल्यूस, बाइल्यूस के सीक्रीशन को इंक्रीज करेगा। दूसरा ये मेन फंक्शन है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसका सीक्रेशन आए, तो पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करने के लिए ये मान लीजिए यहाँ पर ये पैंक्रियास, दिस वन इज द पैंक्रियास, और इस पैंक्रियास पर देखें अपन तो यहाँ से इस पैंक्रियास पर सीसीके पीजेड एंड सीक्रेट, ये तीन हार्मोन। तो सीसी के, अब दूसरा फोर्थ हार्मोन देखिए पेंक्रियोजाइमिन, पेंक्रियोजाइमिन का मतलब पीजेड, पीजेड मीन्स पेंक्रियोजाइमिन। सोर्स क्या है, म्यूकोसा ऑफ द ड्यूओडेनम, म्यूकोसा ऑफ द ड्यूओडेनम। अब देखिए काम किसका, पेंक्रियोजाइमिन इंक्रीज सीक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, ये पेंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा। पेंक्रियाटिक जूस में स्पेशली किसको, फॉर एंजाइम, फॉर एंजाइम, एंजाइम सीक्रेशन को इंक्रीज करता है कौन, पेंक्रियाजाइम। फोर्थ इज, फिफ्थ इज द सीक्रेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है क्वेश्चन सीक्रेटिंग। सीक्रेटिन हार्मोन का सोर्स भी क्या है, एस सेल ऑफ ड्यूओडेनल म्यूकोसा, ये भी ड्यूओडेनम की म्यूकोसा में के अंदर एस सेल प्रेजेंट होते हैं सीक्रेट होगा। और इसका फंक्शन देखिए क्या है, सीक्रेटिन एक्ट ऑन द एसिनस मींस प्लस, पेंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है एसिनस, तो एक्ट ऑन एसिनस मींस एसिनस से जो पैंक्रियाटिक जूस है, तो इंक्रीज सीक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बट पैंक्रियाटिक जूस में स्पेशली क्या, बाइकार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाइकार्बोनेट के सीक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और ये बाइकार्बोनेट का फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज द बफर, तो जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम है उनकी पीएच को एल्कलाइन बना के रखता है। थर्ड इज द सीक्रीशन, सीक्रेटिन हार्मोन के बाद में अब आप देखिए ये विलीकाइनिन, एक और है एंटेरोकाइनिन, विलीकाइनिन एंड एंटेरोकाइनिन, ये हार्मोन का जो सोर्स है, इन दोनों हार्मोन का सोर्स ये म्यूकोसा ऑफ जेजुनम एंड इलियम, ये जेजनम और इलियम की म्यूकोसा से सीक्रेट होगा। देखिए कहां से, दिस इज द जेजनम एंड इलियम, तो जेजनम एंड इलियम से सीक्रेट होकर के ये जेजनम एंड इलियम पर ही एक्शन करता है। ये मान लीजिए विलीकाइनिन है, ये विलीकाइनिन और ये इंटेरोकाइनिन,
ये दोनों हॉर्मोन्स का सोर्स जेजेनमेन एरियम की म्यूकोस है, और इनका फंक्शन भी क्या है, देखिए इनकी सीक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और इसी को नाम दिया था सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस के सीक्रीशन को स्टिमुलेट करता है विलिकाइनिन एंड एंटेरोकाइनिन। तो ये जितने भी लोकल हॉर्मोन्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से, और ये जहाँ से निकलते हैं वहीं एलिमेंट्री कैनाल पे काम करते हैं, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन में अपन देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन हुआ वो हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल रिफ्लेक्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम जेजुनम इलियम के अंदर भी सीक्रेशन अंडर कंट्रोल ऑफ द हार्मोन है। तो ये हार्मोन एक्चुअल में करते क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड कंडक्ट होता है तो उसके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम सीक्रेट होते ग्लैंड से, चाहे वो पेंक्रियाज हो, चाहे वो लिवर से बाइल जूस होके आया हो, या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सीक्रीशन हो रहा हो, ये सब मिल करके गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रीशन को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस के सीक्रीशन को इंक्रीज करता है गैस्ट्रिन और ये कम करता है एंटेरोगैस्ट्रिन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट काम करते हैं, तो दोनों को एक साथ बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन नाम देते हैं। तो दिस इज अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।